हेलो नमस्ते दोस्तों, रीना शर्मा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मनाएंगे गाजर वाले चावल जो बेहद कम समय में आसानी से बन जाते हैं। इसे आप नाश्ते के लिए या लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए रेसिपीज के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है लगभग 100 ग्राम पके हुए चावल, एक कटोरी घिसा हुआ गाजर, कुछ कटा हुआ हरा धनिया, कुछ शेंग दाना या फिर एक चम्मच शेंग दाना, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, एक हरी मिर्च कटी हुई, कुछ करी पत्ता, एक छोटा आधा चम्मच राई, एक छोटा आधा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेज आंच पर 2 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब डालेंगे शेंग दाना, भून लेंगे, इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। अब आंच को कम करके जीरा और राई डालेंगे, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता मिक्स कर लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा भून लेंगे। जब प्याज थोड़े नरम हो जाए तब डालेंगे गाजर। अब इसे ढककर गाजर को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। आंच को धीमा ही रखा है। 2 मिनट के बाद अब डालेंगे शेंग दाना, काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे पके हुए चावल। कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब गैस को बंद करके राइस को प्लेट में निकाल लेंगे। स्वादिष्ट कैरेट राइस बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।